नमस्कार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी के लाइट चौराहे पर एक होटल में लगे प्राइवेट कंपनी के मोबाइल टावर पर शनिवार की रात को एक वृद्ध चढ़ गया। उसका कहना है कि दोस्त और माफिया से वह परेशान है, पुलिस माफिया को बचाने में लगी हुई है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया और टावर पर चढ़ गया। करीब 3 घंटे की समझाइश के बाद पुलिस ने वृद्ध को नीचे उतार लिया है। सदर विधायक रवि शर्मा भी मौके पर पहुंच गए थे। सदर बाजार में रहने वाले अरविंद सक्सेना, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, पुत्र सतीश चंद सक्सेना शाम करीब 6:30 बजे लाइट चौराहे पर पहुंचा। वहां नगर निगम के सामने होटल की छत पर लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जानकारी लगने पर होटल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सूचना पर नवाबाद थाना प्रभारी सुधाकर मिश्रा और फिर बाद में सीओ सिटी राजेश कुमार राय मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक चली समझाइश के बाद अरविंद सक्सेना को पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर नीचे उतारा। अरविंद सक्सेना ने कहा कि शरीफ आदमी की कोई नहीं सुनता है, हमसे पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही है, वे लोग मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं अपने दोस्त और एक माफिया से परेशान हूं, कई बार सदर थाने में जाकर शिकायत की है, लेकिन पुलिस माफिया को बचा रही है और मेरी कोई मदद नहीं करता। झांसी से मनीष हरी के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। देखिए, अभी आपके सामने आप स्वयं इस चीज को देख रहे हैं और हम लोगों को जानकारी मिली थी कि किसी अन्य छतों पर आकर यहाँ पर चढ़ गए हैं। हमारे सारे साथीगण, जो हमारे थाना प्रभारी साहब वहाँ, उनकी अन्य टीमें भी हैं, हम लोग भी मौजूद हैं। इनके घर परिवार के भी लोगों को बुला लिया गया है और उनकी बात हो रही है और हम लोग उनकी बातों को से लेकर उनको किसी तरह से, उनको प्रेम से सौहार्दपूर्ण वार्ता कर उनसे हम लोग किसी तरह नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें हैं। तो ऐसी लगभग अभी 1.5-2 घंटा हम लोग पास है और हम लोग काफ़ी देर से प्रयासरत हैं। उनके घर को, भाई साहब को उनको बुला लिया क्या गया। नाम है इसका, क्या मांग इसकी? मांग अभी कुछ नहीं, ऊपर से आवाज़ कम नहीं आ पा रही है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, जो भी आपकी समस्याएं बताइए, हम इसको हल करेंगे। एक बात की पुलिस ने शिकायत नहीं की, आप अगर ऐसे बात हुई कार्रवाई करेंगे। एक उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि वो नीचे आ जाएँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। विगत इनका जो है 3 बेटियां थी, उनकी शादी भी हुई, ये अकेले रह रहे हैं और इनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी है, जिनकी वजह से जो है काफ़ी उलझने में रहते हैं और इस कारण से जो है इसी उन्होंने प्रक्रिया अपना लिया है। और मैंने उनके भाई साहब को भी बुला लिया, उनके भाई साहब से मेरी सारी वार्ता हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे और उनको सकुशल ऊपर टावर से नीचे उतारने की कोशिश। ऐसा कुछ नहीं, किसी प्रकार कोई